नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। जापान की सत्ताधारी लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी यानी एलडीपी ने चीफ कैबिनेट सेक्रेटरी योशी हिदे सुगा को अपना नया पीएम चुन लिया है। अब वो पूर्व पीएम शिंजो आबे की जगह लेंगे। बुधवार को ही आबे ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। पिछले दिनों एलडीपी ने कैबिनेट के चीफ सेक्रेटरी सुगा को अपना नेता चुना था। सुगा को 543 में से 377 वोट्स मिले थे। आपको बता दें, पूर्व पीएम आबे के नाम सबसे लंबे समय तक जापान का पीएम रहने का रिकॉर्ड है। वो 7 साल और 8 महीने तक पीएम के पद पर रहे हैं। कोलाइटिस बीमारी के चलते उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ गया था। योशिहिदे सुगा एक आम किसान के बेटे हैं। उनके पिता स्ट्रॉबेरी की खेती करते थे। अपने गृहनगर में हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद वो टोक्यो आ गए। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अपना खर्च चलाने के लिए उन्हें कभी कार्डबोर्ड फैक्ट्री में नौकरी करनी पड़ी तो कभी फिश मार्केट में भी काम करना पड़ा। दरअसल सुगा काम के साथ ही यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे थे। यह नौकरी कर उन्हें खर्चा चलाने में मदद मिल जाती थी। ग्रेजुएशन करने के बाद सुगा जापान के कॉर्पोरेट वर्ल्ड में शामिल हो गए और अच्छी तनख्वाह पर नौकरी करने लगे। लेकिन यहां उनका मन नहीं लगा और वो राजनीति में चले आए। लंबे समय तक साथ रहे आबे और सुगा का जीवन एकदम अलग रहा। आबे के पिता जहां जापान के विदेश मंत्री रह चुके हैं, तो वहीं सुगा एक आम जापानी परिवार से थे। उनका राजनीतिक सफर उस समय शुरू हुआ जब उन्होंने टोक्यो के होसेई यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करने के तुरंत बाद संसदीय चुनाव अभियान के लिए काम किया। बाद में उन्होंने लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के एक सांसद के सेक्रेटरी के रूप में काम किया। इसके बाद उन्होंने खुद के राजनीतिक सफर की शुरुआत की। साल 1987 में वो योकोहामा सिटी काउंसिल के लिए चुने गए और 1966 में वो पहली बार जापान की संसद के लिए चुने गए। साल 2005 में तत्कालीन पीएम ने उन्हें आंतरिक मामलों और संचार विभाग का वरिष्ठ उपमंत्री बनाया। नौकरी छोड़ राजनीति में आए सुगा योकोहामा सिटी काउंसिल के लिए चुनाव लड़ने उतर गए। तब ना उनका कोई राजनीतिक कनेक्शन था और ना ही सियासत का अनुभव, लेकिन सुगा अपने दम पर चुनाव लड़ने उतर पड़े। घर घर जाकर उन्होंने अपने चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत कर दी। वो एक दिन में करीब 300 घरों में जाते थे। एलडीपी के मुताबिक जब तक चुनाव प्रचार खत्म हुआ वो लगभग 30,000 घरों में जा चुके थे। पार्टी के मुताबिक जब चुनाव खत्म हुआ तब तक सुगा 6 जोड़ी जूते पहनकर फाड़ चुके थे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।